का होता हो चालू हो गए का ब्लॉग चालू हो गया क्या होता बड़ा आराम से आ गए हैं देखिए अभी आए हम लोग अब रुकेंगे या फिर कल निकलेंगे नीतव से बाबू के मम्मा के घर यहाँ पे देख लीजिए घर बहुत ही अच्छा है इसमें देखिए आ गए हैं वहाँ पे बैठिए गुड मॉर्निंग दोस्तों देखिए सुबह सुबह ही यहाँ पे छत पे आए घूमने के लिए कुहा पड़ा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए बाबू के मामा के घर आए यानी अपने ससुराल है यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ी दूर चौराहा है और वहाँ पे आप देख लीजिए वहाँ जो खम्भा वम्भा पीला दिख रहा है ना वो है शराब फैक्ट्री यहाँ पे शराब फैक्ट्री है और यहाँ पे छत पे आए हैं यहाँ पे अब देख ही लीजिए यहाँ गांव का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ है पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना वहाँ पे सब लोग पूजा पाठ करते हैं नवरात्र में या चाहे वैसे भी गांव का कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं कल हम लोग गए थे वहाँ पे देवरिया और देवरिया से वहाँ पे साली साहब है ना हमारे उनकी वाइफ के बहन के लड़का हुआ था तो वहाँ पे हम लोग गए और रात में थोड़ा लेट हो गया तो यहाँ पे आ गए हैं ससुराल में क्योंकि अब गांव थोड़ा दूर पड़ जाता है अब गाड़ी चला के बाबू को भी लेके हम लोग आए हैं यहाँ पे और बहुत रास्ता में बहुत दिक्कत कर रहा था जानते हैं बीच में बैठ रहा था ना थोड़ी देर में उसको घूमने का मन दे रहा था इस वजह से वो बार बार उठ जा रहा था अब उसके चक्कर में हम लोग इतना परेशान हुए कई बार उठना बैठना समझिए गाड़ी रोकना इतना दिक्कत परेशानी कर दिया था कि उसी समझिए कि क्या बताएं आपको बहुत परेशानी किया है और नवरात्र का सीजन चल रहा है चौथा दिन है आज नहीं पांचवा दिन है और रास्ता भर जानते हैं रास्ता भर का पोजीशन हम बता रहे हैं आपको रास्ता भर में मतलब इतना चंदा मांगने वाले वहाँ पे लोग थे गड़िया के अगवा अगर हो जाता है चंदा अब बताइए गाड़ी पे आदमी बैठा है बाबू को लेकर बैठा है और मान लीजिए कि रीता बैठी है हम चला रहे हैं गाड़ी गाड़ी का मतलब मोटरसाइकिल जानते हैं मांगते मांगते आके गड़िया क्या गया रुको 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 बताइए तनि मन देना है दिमाग इधर उधर बट के तो पता चले कि छोड़ गई चंदा वाला के ऊपर देखिए श्रद्धा से जिसको देना रहता है ना चंदा आदमी दे ही देता है उसमें कुछ बात नहीं है यहाँ पे देख लीजिए पूरा यहाँ पे जो देख रहे हैं ना पूरा रेलिंग वगैरह पूरा लग गया है यहाँ पे और ये जो छत देख रहे हैं ना ऐसा काला काला ये बरसात के मौसम में ऐसे हो गया है बरसात के मौसम में इसलिए हो गया है पानी लगता नहीं है जैसे अब अक्सर भी जैसे पानी होता है ना तो छत ऐसे काला हो जाता है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊँचा है ना यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा ऊंचा है ये थोड़ा साफ है और बाकी जहाँ पे थोड़ा पानी हल्का हल्का लगता है छिपी छिपी पानी वहाँ पे थोड़ा ये हो गया है क्या हो गया है काला हो गया है। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं ठीक ठाक है ना हैं पानी इन्हीं भोल बा यहाँ पे देख लीजिए कितना खाल है
नहीं रहना, धान उनभोर बा खेते में पानी भी लगल बा, लेकिन पानी जो पानी हुआ है ना, पानी मन कामे भर के भइल बा, ऐसा कामे भर के पानी भइल बा। वहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, वो वहाँ पे वो देख लीजिए, वो दिख रहे हैं ना, वो क्या जानते हैं, शराब फैक्ट्री है। शराब फैक्ट्री यहीं पे बना हुआ है और उसी के बगल में ये जो शराब फैक्ट्री है, इसी के बगल में ये गांव है, छोटा सा गांव है। पर सा ये भी जानते हैं, 16 टोला है, 16 टोला में ये पहला टोला इधर है फैक्ट्री के पास में, जो कि यहीं पे, यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर है शराब फैक्ट्री। अब जब शराब फैक्ट्री जब चालू हो जाएगा तो फिर वही सरदार नगर वाली हाल होगा यहाँ पे, फिर वही जानते ही हैं शराब सरदार नगर में जो शराब फैक्ट्री बनी है वहाँ पे कितना दिक्कत होता है, इतना महकता है ना क्या करें। देखिए ये अपने आप बताए नहीं आना, तो अपना घाट में ये है कि हमारा गांव यहाँ है वहाँ है, अरे जहाँ पे जैसे लोग शुरू से रहते चले आ रहे हैं वैसे हो रहा है, और जहाँ जैसे विकास हो रहा है वहाँ ठीक ही है। यहाँ पे देख लीजिए बदली पड़ा, पूरा बदली लगा है, यहाँ पे देख रहे हैं एकदम बदली पूरा लगा हुआ, लेकिन बारिश ना हुई। बारिश जानते हैं कब होगा, जब धान कटाई होगी तब बारिश हुई, वो बारिश हुई पूरा। देखिए जानते हैं खींचते खींचे पूरा हाथों में दर्द कर रहेगा, स्टैंड है नहीं, अमल ही कहाँ कहाँ कोई स्टैंड लेके चलेगा, स्टैंड लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू को लेके आए ना, रात में थोड़ा रोना चालू कर दिया, जानते हैं रोने का कारण ये है ना कि उसको दूध दूध का व्यवस्था थोड़ा कमी हुआ है और कुछ खाया भी नहीं, और रात में बहुत रो रहा था, तो रोज सोता है 1 बजे, लेकिन रात में सो गया है जानते हैं कब बजे, 10 बजे, 10 बजे सोया है लेकिन रात में जग गया है। सोने का कारण तो आप जानते ही हैं, थक गया था हंडिल पकड़ते ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे देख लीजिए टंकी भी लगा है, यहाँ पे अलार्म लगा है, यहाँ पे जो टंकी देख रहे हैं टंकी के देखिए यहाँ पे एक तार गया हुआ है, जो ओवरफ्लो होता है, पहले ओवरफ्लो होता था ना तो पानी नीचे गिरता था, यहाँ पे देख लीजिए ओवरफ्लो होता था ना टंकी तो पहले पानी नीचे गिरता था, लेकिन अब नहीं गिरता है, नहीं गिरने का जानते ही कारण ये है, लग गया है आवाज़ मतलब इसमें अलार्म, वो पानी टंकी ओवरफ्लो अलार्म एक आता है वही लगा हुआ है, पानी भरता है ना तो तुरंत अलार्म पता चल जाता है, इसलिए पानी नहीं गिरता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।